नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में अमानतुल्ला खान पर ईडी की छापेमारी हुई है। अमानतुल्ला पर ईडी के एक्शन को भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के दबाव में किया गया कदम बताया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया की तरह ही संजय सिंह को भी झूठे केस में फंसाया जा रहा है और अब इसी तर्ज पर झूठे मामले में विधायक अमानतुल्ला खान पर भी एक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी सड़कों पर आ गई है और जन जागरण अभियान चला रही है और कहती है कि अभी तो और भी नेताओं का नंबर आएगा। हम इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं कि क्या जांच एजेंसियों की कार्रवाई को चुनावों से बार बार जोड़ देना सही है, क्या चुनावों से जोड़ा जाना चाहिए, इन सब में कांग्रेस कहां पर है और इतनी ज्यादा आक्रामकता क्यों नजर आ रही है दोनों दलों के बीच में, चर्चा करें। बारह घंटे रहे यहाँ पे लोग। किस मामले को मेन, किस मामले को लेकर आपसे पूछताछ हुई है? देखिए, सर्च किया था, उनके पास सर्च वारंट था। उन्होंने बताया होगा ना किस 2016 की एक जो सीबीआई के अंदर जो एफआईआर है जिसकी चार्जशीट जमा हो चुकी है, जो ऑलरेडी केस चल रहा है सीबीआई का, उसमें हेयरिंग हो रही है और उसी में वही एफआईआर पे आए थे। मैं तो वो जो सीबीआई की 2016 की जो एफआईआर थी जिसमें ऑलरेडी चार्जशीट जमा है। किस मामले को लेकर थी वो? वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को ही लेकर थी, वो रिक्रूटमेंट को लेकर थी। वो उसके अंदर कहीं भी कोई करप्शन के चार्जेस थे ही नहीं, उस एफआईआर में भी नहीं है, चार्जशीट में भी कहीं नहीं है। तो अभी ने किस तरीके से पूछताछ की, क्या क्या आप अगर हम बताना चाहेंगे क्या क्या पूछताछ? हर तरह से, जब से पिछले 12-13 घंटे 14 घंटे हो गए तब से ये लोग। सुबह कितने बजे पहुंचे थे आपके पास ये लोग? 7 बजे के आसपास पहुंचे थे। पहुंच गए थे ये लोग। तो अभी लग रहा है जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक हों, नेता हों, लगातार ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, उस पर आप क्या? भाई, संघर्ष है, चलता रहेगा, उसमें क्या है, ये तो एक पार्ट है। जब हम राजनीति में हैं तो अपोजिशन चलता है और ये सब चीजें तो उसका हिस्सा है और हम उसको फेस करेंगे। इससे मजबूती से अगर कोई भाजपा का विरोध करता है संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी, आज उस विरोध की सजा संजय सिंह जी को भाजपा ने दी और सलाखों के पीछे डाल दिया मनगढ़ंत आरोप लगाकर। अब इसी प्रकरण में आज हमारे दिल्ली के एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय विधायक, जो कई बार विधायक रहे, अमानतुल्ला खान साहब, ओखला विधानसभा से हमारे विधायक हैं, उन पर सुबह से ईडी की छापेमारी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही है। ना देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आक्रमण देखिए, एक एजेंसी ने पकड़ा, कोर्ट ने फटकार लगाकर रिहा कर दिया। अब उसी मुकदमे में इन्होंने दूसरी एजेंसी को भेज दिया, कल को सीबीआई भेज देंगे, परसों इनकम टैक्स भेज देंगे, उसके बाद रॉ भेज देंगे। ये तो रोजाना कोई नई एजेंसी एक ही कथित अपराध में भेजे जाएंगे, जिस मसले में कोर्ट पहले ही एजेंसी को फटकार लगाकर अभियुक्त को बेल दे चुका है, रिहा कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी है, पूरी डर चुकी है। वो कई दिन से जो है संजय सिंह को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने किसी ना किसी तरह के बहाना मार के जो है ईडी के द्वारा संजय सिंह को उठा के, झूठे केस में उठा के अंदर कर दिया। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने बुरी तरीके से इसी केस में, एक्साइज के केस में किस तरीके से ईडी को लताड़ा है। आम आदमी पार्टी जो है आंधी है, वो रुकने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को पता है कि 2024 का चुनाव वो हारने वाले हैं और जब पुलिस का सहारा लोकतंत्र में लिया जाए, जब एजेंसियों का सहारा लोकतंत्र में लिया जाए, तो साफ जाहिर है कि राजा को पता है कि उसका दिया बुझने जा रहा है। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के नेताओं को प्रदर्शन करने के लिए निकली हुई। उधर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हो रही जांच एजेंसियों के एक्शन को बीजेपी ने कड़ी से कड़ी जुड़ना बताया, यानी कि वो जो दावा है कि अभी और नाम शामिल आएंगे, वो कहते हैं कि अभी कड़ियां आपस में जुड़ेंगी। मिले जो कड़ी, कड़ी की जंजीर बने। भ्रष्टाचारियों की कड़ियां मिल रही हैं तो जंजीर बन रही है, जैसा कर्म करेंगे वैसा भोगेंगे। मैं फिर कहता हूं कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर बोलने वाले का अधिकार हमको तो है नहीं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जो सच है वो सामने आएगा। ईडी को जो जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं जिनसे आम आदमी पार्टी के और लीडर इस बड़ी भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं या जिनका हाथ है,
उनको तो पकड़ना ही चाहिए। और ये जो जो एक नाम आपने लिया है, इनके यहाँ से ऐसी डायरियाँ, ऐसे प्रूफ पकड़े गए हैं जिसमें बड़ी बड़ी वसूलियों के रिकॉर्ड हैं। और मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक ये बातें जा रही हैं, क्योंकि सारे केसेस में एक ही सच्चाई आ रही है कि इन सारे घटनाओं के सरगना अरविंद केजरीवाल।